विद्या भारती ऑनलाइन गूगल क्लास में कक्षा तृतीय विषय संस्कृत और अपना प्रकरण में चल रहा है अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 5 तक का पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? एतेषां प्रश्नानां उत्तरं लिखतु। जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है? राजीवः कदा योगासनं करोति। राजीव कब योगासन करता है? उत्तर आया राजीवः पंचवादने योगासनं करोति। राजीव 5 बजे योगासन करता है। दूसरा प्रश्न, राजीवः कदा क्रीडति। राजीव कब खेलता है? उत्तर आया गोविंदः षड्वादने क्रीडति। गोविंद 6 बजे खेलता है। तीसरा प्रश्न, ललिता कदा अध्ययनं करोति। ललिता कब अध्ययन करती है? उत्तर, ललिता 9 वादने अध्ययनं करोति। ललिता 9 बजे अध्ययन करती है। अगला प्रश्न, भवान भवती कदा पठती। ये अपने ऊपर स्वयं पर है। भवान इन पुल्लिंग हो गया, भवती स्त्रीलिंग हो गया। आपसे हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो पूछा है कि आप कब पढ़ते हैं? उत्तर आप अपनी तरफ से देंगे, अहम 7 वादने पठामि। मैं 7:15 बजे पढ़ता हूँ। स्त्री होगी तो बोलेंगे पढ़ती हूँ। अगला, भवान भवती कदा लिखति। आप कब लिखते हैं? वही है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अहम 4 वादने लिखामि। मैं 4 बजे लिखता हूँ या लिखती हूँ। इसी प्रकार से अगला, एतेषां उत्तराणां प्रश्न वाक्यानि लिखतु। ये जो प्रश्न दिए हैं, ये उत्तर दिए हुए हैं, इनके प्रश्न बनाने हैं। उत्तर क्या दिया हुआ है? शंकरः 10 वादने निद्रां करोति। तो शंकर 10 बजे सोने का कार्य करता है। तो समय आया ना प्रश्न बना, शंकरः कदा निद्रां करोति। शंकर कब निद्रा सोने का काम करता है। अगला देखिए, शीला 4 वादने गृहम आगच्छति। शीला 4 बजे घर आती है। तो प्रश्न बना, शीला कदा गृहम आगच्छति। इसी प्रकार से आगे, रमा 4:15 बजे जल सेंचनम करोति। रमा कदा जल सेंचनम करोति। अगला है, शशिधरः 6:15 बजे अभ्यासम करोति। क्या हुआ? शशिधर है कदा अभ्यासम करोति। कदा का प्रयोग करना है। श्याम है 8:30 बजे दूरदर्शनम पश्यति। श्याम है कदा दूरदर्शनम पश्यति। इस प्रकार से इन उत्तरों के आधार पर कदा का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाना है। अब आ जाओ यहाँ पे, समयम निर्दिश्य 10 वाक्य दिनचर्याम लिखतु। यानी दिनचर्या लिखनी है समय का प्रयोग करते हुए 10 वाक्य में। तो अहम 5 वादने उत्तिष्ठामि। मैं 5 बजे उठता हूँ। अहम 7:15 बजे दंत धावनम करूंगी। मैं 5:15 बजे दांतों की सफाई करता हूँ। अहम 15:00 बजे स्नानम करूंगी। मैं 5:45 बजे स्नान करता हूँ। अहम 15:50 बजे पितरों नमामि। मैं 5:06:05 पर माता पिता को प्रणाम करता हूँ। अहम 10:06:00 बजे योगासनम करूंगी। मैं 6:10 पर योगासन करता हूँ। अहम 10:07 बजे पूजाम करूंगी। मैं 7:10 पहले पूजा करता हूँ। अहम 7:07 बजे अल्पाहारम करूंगी। मैं 7 बजे अल्पाहार या नाश्ता या कलेवा करता हूँ। अहम 9 वादने विद्यालयम गच्छामि। मैं 9 बजे विद्यालय जाता हूँ। अहम 4 वादने गृहम आगच्छामि। मैं 4 बजे विद्यालय से आता हूँ यानी घर आता हूँ। अहम 7 वादने भोजनम करूंगी। मैं 7 बजे भोजन करता हूँ। और अंत में ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम 9 वादने शयनम करूंगी। मैं 9 बजे सोने का कार्य भी करता हूँ। तो ये सब आपको इस प्रकार से अभ्यास करना है।